तो छात्रों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7 NCERT साइंस हिंदी और इंग्लिश के साथ लेकर के चलेंगे। देखिए, पहली हेडिंग है पोषक। इसको इंग्लिश मीडियम बुक्स में पोषण न्यूट्रिशन होता है, पोषक न्यूट्रिएंट्स होता है। भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना है, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए, भोजन कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्र से बना होता है। इसमें रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। अब इसमें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ये इंग्लिश मीडियम में इसी नाम से मिलेंगे। खनिज लवण मिलेंगे मिनरल्स के नाम से, और वसा मिलेगा फैट के नाम से। फिर पोषण न्यूट्रिशन, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। अब पोषण कितने प्रकार का होता है? पहला होता है स्वपोषी पोषण। इसको जो स्वपोषी पोषण है, आपके इंग्लिश मीडियम किताब में ये स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रोप्स या इस नाम से मिलेगा, जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ऐसे पादपों को स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे हैं, ये अपना भोजन जो है खुद बना लेते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी ये हेटरोट्रोपिक होता है, हेटरोट्रोपिक। तो हेटरोट्रोपिक क्या होता है? विषमपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे मानव या कोई जानवर ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, हम लोग अपने भोजन के लिए किसी पौधे से लें भोजन या किसी जानवर से लेते हैं। तो विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं, यानी हेटरोट्रोपस जंतु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मृतोपजीवी। इस मृतोपजीवी को साइंस में, जो इंग्लिश मीडियम साइंस, उसमें सेप्रोफाइट लिखा होगा। किसी जीव किसी मृत एवं विकृत पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मतलब मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइड फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं डिजीन डिजाइन मटेरियल से, सड़े गले पदार्थों से। मृतजीवी पोषक कहलाते हैं, जैसे मशरूम, कवक, फंजाई, ये सब उगते हैं। अगला है परजीवी। परजीवी होता है पैरासाइट। ये हेडिंग मिलेगी आपको पैरासाइट के नाम से। किस नाम से मिलेगी? पैरासाइट के नाम से। जीव अपना भोजन अन्य जीवों के बनाए भोजन पर निर्भर करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे अमरबेल आपने देखा होगा, अमरबेल एक उगता है, कसकुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट बच्ची पौधे। ये पौधे आपको इंग्लिश मीडियम किताब में ये हेडिंग कीट बच्ची पौधे मिलेगी, इंसेक्टिवोरस के नाम से, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा लेते हैं, कीट बच्ची पौधे कहलाते हैं। प्लांट्स वीस कैस द कीट या ट्रैक कीट या ईट कीट, ईट इंसेक्ट, नॉन एस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण इस क्रिया, ये हेडिंग होगी फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो है क्रिया है, उसमें क्या होता है? हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली समीकरण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से मिलती है, जल जड़ों से मिलता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, क्लोरोफिल हरे पौधों में होता है, इससे ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, दो चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? खाद्य फैक्ट्री। तो खाद्य फैक्ट्री क्या है, स्रोत क्या है इसका? खाद्य फैक्ट्री केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इनको खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? पत्तियों में बनते हैं। रंध्र, रंध्र ये हेडिंग होती है स्टोमेटा के नाम से। पत्तियों की स्तनों पर, स्तनों ने पत्तियों के जो निचली सतह या ऊपरी सतह होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, ऐसे रंध्रों को, छिद्रों को रंध्र कहते हैं।
क्लोरोफिल, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। अगला है खाद्य संश्लेषण, खाद्य संश्लेषण हरे पादप, इसमें होता है फूड असिमिलेशन, फूड भोजन का जो है बनना, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया की ये क्रिया है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा स्वयं खाद्य संश्लेषित करते हैं, भोजन को जो है संश्लेषित करते हैं। अगला है हरे पादप ग्रीन प्लांट्स, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल खनिज जैसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शैवाल, ये हेडिंग आपको इंग्लिश मीडियम साइंस में एल्गी के नाम से मिलेगी। शैवाल मीन्स होता है एल्गी। अपने आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में अवपंकी जैसे पादप, अवपंकी जैसे जो सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट है राइजोबियम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित करता है, ये भी राइजोबियम नाश्ता के, ये राइजोबियम जो है दलहनी पौधों में पाया जाता है, चना मटर मूंग सेम फलीदार, इनकी गांठें देखी होंगी छोटी छोटी, तो ये राइजोबियम उनमें लेग्यूमस प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है उनकी जड़ों में। नेक्स्ट है पोषण, फिर पोषण आ गया, सजीवों द्वारा ग्रहण भोजन का ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है, और पोषण कई रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ये हम आपको बता चुके हैं एक बार। प्राणियों में पोषण की आवश्यकता और आहार ग्रहण करने की विधि क्या है, अभी तक हम पौधों में पढ़ रहे थे, अब जंतुओं में पढ़ रहे हैं प्राणियों में। तो कार्बोहाइड्रेट संघटक जटिल पदार्थ है, पाचन जटिल खाद्य पदार्थों का सरल रूप में बदल देना, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों के रूप में बदलना, इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो ये हेडिंग आपको मिलेगी पाचन डाइजेशन के नाम से, ठीक है। इसके बाद में प्राणियों में पोषण की आवश्यकताओं के लिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर से इनका उपयोग, तो एसिमिलेशन आप फूड एंड देयर एंड इट्स यूजेस, आहार नाल एवं श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव में पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और सेक्रेटरी ग्लैंड्स, ये कम्बाइंड रूप से किसका निर्माण करती हैं, पाचन तंत्र। तो एलिमेंट्री कैनाल और सेक्रेटरी ग्लैंड्स कम्प्लीटली रूप से मानव यानी ह्यूमन के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, मुखगुहिका जो मुखगुहिका मुखी जो होती है माउथ कैविटी, ग्रसिका आमाशय, क्षुद्रांत छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत बड़ी आंत यानी बिग लार्ज इंटेस्टाइन और गुदा, इसको एनस कहते हैं। सबकी हम इंग्लिश बताते चले जा रहे हैं ताकि आपको इंग्लिश मीडियम साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचक नली यानी एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ कौन सी हैं, डाइजेस्टिव जूस, इस पाचक रस को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस। लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये पैंक्रियाज होता है इंग्लिश मीडियम बुक्स में, ये होता है लीवर और ये लाला ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट है पाचक तंत्र, आपको बता चुके हैं पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। अंतर्ग्रहण एसिमुलेशन के नाम से ये हेडिंग मिलेगी आपको, भोजन के अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, एसिमुलेशन कहलाती है। वयस्कों के पास आमतौर पर 32 दांत होते हैं, दांतों के प्रकार देखिए, कृंतक या छेदक, कृंतक या छेदक, ये एक दांत इधर एक दांत इधर, ये ऐसा मुँह होता है, तो ये दांत लगे हैं ऐसे करके तो यहाँ पे एक दांत ये वाली पोजीशन पे, एक दांत ये वाली पोजीशन पे होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, कृंतक या छेदक। तो ये क्या होते हैं, तेज धार वाले चौड़े होते हैं, भोजन को पकड़ने काटने और कुतरने का कार्य करते हैं, हर जबड़े में इनकी संख्या चार होती है। तो देखो एक नीचे हो गए चार, और इसी तरीके से ऊपर वाले में होंगे, ये ऊपर वाला जबड़ा अगर हो गया तो इसमें हो गया एक दो तीन चार, ये हो गया, तो सामने वाले दांत होते हैं, कैसा समझ लीजिए आप। इसके बाद में है भेदक या रदनक, भेदक या रदनक, ये दांत दो दांत के प्रकार टाइप्स ऑफ टीथ में रदनक दांत नुकीले दांत होते हैं और भोजन के पीसने या फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक दांतों के जबड़े में दांतों की संख्या दो होती है, ये जबड़ा हुआ एक यहाँ पे निकला होता है, यहाँ पे निकला होता है नुकीला दांत, बीच में ये होते हैं जो हम ऊपर पढ़ा चुके हैं चार दांत, ठीक है। इसके बाद में अग्रचवर्णक क्या है, अग्रचवर्णक देखिए क्या है, दांत के प्रकार में अग्रचवर्णक दांत किनारे पर चपटे चौकोर रेखादार होते हैं और इसका
कार्य भोजन को चबाना और हमारे प्रत्येक जबड़े में चार संख्या होती है। यूँ ये वाला जबड़ा है हमारा, तो यहाँ दाढ़ें होती हैं और दाढ़ों के बीच में यहाँ पर दो होते हैं, दो इधर और दो इधर, चौड़ी दाढ़ें, उनको जो है अग्रचवर्लक कहते हैं। चवर्लक दांत, अब चवर्लक दांत होती हैं हमारी दाढ़ें। दांत के प्रकार के चवर्लक दांत सिर चौरत्ता तेज धार वाले होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या छः होती है। ऐसे जबड़ा होता है, तीन इधर हैं और तीन इधर हैं, एक दो तीन, एक दो तीन लास्ट में होते हैं। मुख एवं मुखगुहिका भोजन जो है वो मुँह से ग्रहण किया जाता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो ये तो कुछ नहीं रहा, मुख जो मुंह होता है, अब मुखगुहिका वो होती है जो मुख के अंदर कैविटी गुहा है, उसको मुखगुहिका कहते हैं। अगला है लाला रस। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीव एक मांसल पेशी अंग है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जीव कैसा अंग है, जीव मायोजेनिक अंग है या मांसल अंग है या मांसल पेशी अंग है, जो पीछे की ओर मुखगुहिका में ज़्यादातर पर जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीव का उपयोग करते हैं। जीव पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, अगली हेडिंग है भोजन नली। आपने देखा होगा इन चीज़ों पे कभी कभी, भोजन नली देखिए, ग्रास नली सब फागस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और संकरी पेशी नली है जो मुख के पीछे गलकोश में आरंभ होती है। सीने से थैलेमिक डायाफ्राम खुलती है और अंदर उधर स्थित हृदय पर द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ी एक नीचे आमाशय में खुलने वाली नली है, तो ये भोजन नली होती है। इस तरीके से आपको हम दिखा दें, एक मिनट रुक जाइए भाई, ये रहा देखिए, ये मुखगुहिका है, मुख की गुहा, और लाला ग्रंथि यहाँ पे होती है, और ये ग्रसिका होती है, ठीक है, भोजन नली इसके पास में। और इसी को थोड़ा ऊपर बढ़ा के देखिए, सारी चीज़ें आपको दिखा दें जो हेडिंग हैं। तो ये एकरत रहा, ये एकरत रहा, और पित्ताशय ये लगा हुआ पित्तरस में भरा होता है, ये आमाशय है, और इसके आगे अग्नाशय क्षुद्रांत बृहदांत, यहाँ पर आइए यहाँ तक। तो इसमें देखिए ये अग्नाशय है और ये छोटी आँत है क्षुद्रांत, और बृहदांत ये बड़ी आँत है, और इसके बाद में ये गुदा द्वार है, दिख रहा है आपको नीचे। तो मुखगुहिका, और इसके बाद में है लाला रस चावल को शर्करा में बदल देता है। जीव एक मांसल पेशी अंग, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है जीव कैसा अंग है, तो हमारी जीव जो है मांसल पेशी अंग है, यानी मायोजेनिक अंग है। जीव और हृदय दोनों मायोजेनिक अंग होते हैं, पेशी अंग होते हैं, जो पीछे की ओर मुखगुहिका के अदर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीव का उपयोग करते हैं, सबको पता होगा भाई बोलने के लिए जीव का उपयोग करते हैं। जीव पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट है भोजन नली, ठीक है, फूड पाइप, अंग्रेजी की आप जब किताब से अध्ययन करेंगे तो ये लिखा होगा फूड पाइप। ग्रास नली इसोफागस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशी नली है जो मुख के पीछे गलकोश से प्रारंभ होती है, सीने से थोरसिक डायाफ्राम से गुजरती हुई उधर स्थित हृदय पर जाकर समाप्त होती है। ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे आमाशय से खुलने वाली नली होती है। अगला है आमाशय। आमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है, अभी हमने आपको दिखाया था। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि, इसका पूछा गया कई बार कलर कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, पीले हल्के पीले रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन प्रक्रिया करके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशयी रस का ये कार्य है, और आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांत में पहुँचा जाता है। कहाँ पहुँचा जाता है, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत होता है छोटी आंत, छोटी आंत में पहुंचा जाता है। इस इंग्लिश मीडियम किताब में इसको स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट चेंज सिंपल शर्करा, सिंपल जो शुगर होती है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देती है। बसा यानी फैट, फैट जो फैटी एसिड होते हैं यानी बसी अम्ल, और ग्लिसराल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अगला है क्षुद्रांत में अवशोषण, एसिमुलेशन इन क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन,
भोजन के सभी घटकों का पाचन, क्षुद्रांत में सभी घटकों का पाचन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है सभी भोजन के सभी कंपोनेंट्स का, घटक मीन्स कंपोनेंट्स। तो अब आ गया अवशोषण, ये हो गया अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित कर जो क्षुद्रांत की भीतरी भित्ति पर वाहिकाओं में जाने की प्रक्रिया को अवशोषण, जैसे आपने देखा होगा कि ये नली है और नली में यहाँ पर वो निकले होते हैं उंगली सदर संरचना जिसको हम बिलाई कहते हैं, वो अवशोषित करने का काम करते हैं। नेचर है दीर्घरोम, पचे हुए भोजन को अवशोषण के यही बिलाई होते हैं जो दीर्घरोम होते हैं, ठीक है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के तल को क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, बताया था हमने बिलाई, इंग्लिश मीडियम किताब इसको बिलाई कहेंगे। अब स्वांगीकरण एसिमुलेशन, अवशोषित पदार्थों को स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है, इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। बृहदान्त यानी बड़ी आंत, तो लार्ज इंटेस्टाइन, यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसका कार्य कुछ लवणों का अवशोषण, इसमें से कुछ जो लवण होते हैं उनका अवशोषण करना इसका काम होता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन गाय भेड़, तो ये होता है रूमिनेंट्स, गाय भैंस जो घास खाने वाले जंतु हैं, ये देखो रुमेन लिखा है नीचे, ये जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय के भाग में भंडारित करते हैं और बाद में धीरे धीरे ये गालर करते हैं, नहीं लाते हैं रुमेन भाग में और उसको जो है दोबारा पहुंचाते हैं। देखा होगा जानवरों को बाद में बैठ के मुँह चलाते हुए। रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, इनके भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आंशिक आमाशय, आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कट कहते हैं, जुगली करते हैं ना, गालर कहते हैं, जुगालर कहते हैं, मुंह चलाते हैं जानवर। बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिससे वह चबाता रहता है, जिससे रोमधन यानी जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रुमिनेंट सत्वा रोमंथी कहलाते हैं जो जुगाली करते हैं, इंग्लिश में इनको रुमिनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, घासों की जो सेलवाल होती है कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की प्रचुरता होती है ग्रास में, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रुमिनेंट जंतु ही सेलुलोज का पाचन कर सकते, सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं, कौन करता है, रुमिनेंट जंतु। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है घोड़ा खरगोश आदि में क्षुद्रांत बृहदान्त के बीच एक थैलिनुमा बड़ी संरचना होती है। अमीबा में संभरण एवं पाचन, अब अमीबा में संचरण कैसे होता है भोजन का, ये है फूड जो है अंतर्ग्रहण विधि अमीबा की। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोष की जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, और कहाँ पाया जाता है, जो वाटर बॉडीज हैं उनमें। अमीबा के कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, अमीबा कोशिका में क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अमीबा निरंतर ही अपनी स्थिति बदलता रहता है, आपने देखा ऐसे ऐसे करके ये अमीबा हो गया, जब इसको यहाँ भोजन दिखेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से तोड़ देगा, इसको ऐसे घेर लेगा, जाना होगा तो ऐसा अमीबा ऐसे करके सीडोपोडिया बना लेगा। तो ये अमीबा हम आपको बता चुके थे, सीडोपोडिया सारी चीज़ें, ठीक है। इसको पादाब, सीडोपोडिया को क्या कहते हैं, पादाब कहते हैं, निरंतर कृत्रिम पाँव, ये गति करने के काम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगला है इसी में खाद्य पदार्थ, उसी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, अमीबा की जो खाद्य धानी बनाता है वो ऐसे करके, इससे ये अमीबा है ऐसे, और इसने यहाँ पे भोजन देखा तो ये अगली स्थिति में क्या करेगा, अगली स्थिति में ये ऐसे करके भोजन को घेर लेगा अंदर, यहाँ से तोड़ के यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला सीधा होकर ऐसे घेर लेगा, ये काम होता है अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि का। अगला है खाद्य धानी में ही पाचक रस, और जो खाद्य धानी होती है जिसमें भोजन फंस जाता है खाद्य धानी में, उसी में पाचक रस होते हैं, पाचक रसों से ये पचा देता है उसको सरल रूप में, ये स्थिति होती है अमीबा के भोजन ग्रहण करने की। चलिए कंप्लीट।